हेलो बच्चों वेलकम टू ई लर्निंग आज हम ई का फर्स्ट लेसन जो है पूनम स्टे आउट उसे पढ़ेंगे इस लेसन में हमें पता चलेगा कि कौन से एनिमल कहाँ पे रहते हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कैसे आवाज़ निकालते हैं तो चलो पढ़ते हैं ई ईवीएस का फर्स्ट लेसन पूनम स्टे आउट माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे आई हैव बीन एट होम फॉर द पास टू डेज आई एम गेटिंग बोर्ड सेट पूनम पूनम अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं दो दिन से स्कूल नहीं गई हूँ मुझे स्कूल जाने दो मैं घर में बोर हो रही हूँ बट यू स्टिल हैव फीवर गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट रिप्लाइड माँ तो उसकी ममां उसको रिप्लाई करती हैं उसको बोलती हैं कि बेटा तुम्हें फीवर है इसीलिए बाहर जाओ और पलंग पे जाके लेट जाओ पूनम फेल असलीप ऑन द कॉट वो जैसे ही पलंग पे लेटती है तो पूनम की नींद लग जाती है सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस एकदम से उसके फेस पे आके कुछ गिरता है पूनम अप एट वंस एंड टचड हर चिक पूनम उठती है और अपने गाल को छू के देखती है ओ नो हुफ इज दिस ओ नो ये किसने किया है गंदा इज इट द क्राउस क्रोस और द पीजन्स क्या ये कौवे ने किया है या फिर पीजन ने किया है इट सीम्स इट्स द क्रोज ऐसा लगता है कि ये काम क्रो का ही है नाव पूनम लुक्ड अप एट द ट्री पूनम ट्री की तरफ देखती है शी सो मैनी एनिमल ऑन द ट्री उसको पेड़ पे बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर तो लास्ट पेज पर पे जो पिक्चर है उसमें आपको कौन कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं राइट डाउन दरअर नेम उन सभी के नाम आपको नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उनमें लिखना है पिक्चर में से देख के नाउ आफ्टर दैट सम एनिमल्स दैट आई कैन सॉ आर मंकी देन क्रो पीजन देन बटरफ्लाई एंट्स Stock okay. So, you also search the animal in the picture and you have to write down the name. Then, you can check the answer in the next slide. Okay, the answers of these blanks are given in the next slide that is coming. So, you can check the answers after writing it. <clears throat> so, those animals are pigeon, squirrel, crow, monkey. बटरफ्लाईज एंड पैरट एंड कुकू सो दिज एनिमल्स इफ यू कैनॉट फाइंड आउट ऑल द एनिमल्स अगर आपको सारे एनिमल्स ना दिखे हों तो रीड द एंसर एंड देन यू कैन फाइंड आउट दोज एनिमल्स इन दैट पिक्चर दैन पूनम पिक पिक दब द लीव फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइब धर चीक विथ इट पूनम ने पत्ते उठाई ग्राउंड से और अपने गाल को साफ करने लगी बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी लेकिन उसके जो गाल थे वो फिर भी स्टिकी लग रहे थे शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड तो उसने सोचा कि पास में पॉन्ड है वहां जाके मैं अपने गाल को फेस को साफ कर लेती हूँ सो नाव यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ एनिमल दैट यू सो इन द पॉन्ड पॉन्ड में आपने कौन कौन से एनिमल देखे तो पूनम सो फॉलोइंग एनिमल एट द पॉन्ड दे आर गोट

आई हैव माई मेड टू क्वेश्चन आउट ऑफ दिस मैंने दो क्वेश्चन बनाए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर फर्स्ट आई हैव राइट डाउन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव राइट डाउन द मूवमेंट मेड बाय द एनिमल यस आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल सीन इन द पॉन्ट गिवन बिलो आर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सममल्स तो कौन कौन से एनिमल कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं डॉग्स इज

राइट डाउन द नेम ऑफ दोज एनिमल दैट कैन फ्लाई जो फ्लाई कर सकते हैं उनके नाम लिखने हैं कैन क्रॉल जो क्रॉल कर सकते हैं रेंगते हैं उनके नाम लिखने हैं कैन वॉक जो वॉक करते हैं उनके नाम लिखने हैं कैन हॉक जो कूदते हैं उनके नाम लिखने हैं हैव विंग्स जिनके पंख होते हैं उनका नाम लिखना है हैव फीट जिनके पैर होते हैं उनका नाम लिखना है और हैव अ टेल जिनकी पूंछ होती है उनका नाम लिखना है सो यू कैन हैव द आंसर्स हियर कैन फ्लाई जो उड़ सकते हैं वो हैं बटरफ्लाई पीजन एंड पैरट कैन क्रॉल जो रेंगते हैं वो हैं लिजार्ड स्नेक और टॉयटॉइज कैन वॉक जो चलते हैं वो हैं काउ बफेलो और ऑक्स कैन हॉप जो कूदते हैं वो हैं फ्रॉग कैंगरू और हेयर हैव विंग्स जिनके पंख होते हैं वो पीजन कुकू और स्पैरो हैव फीट जिनके पैर होते हैं काउ गोट और बियर एंड हैव अ टेल जिनकी पूछ होती है देआर मंकी काव एंड वफेलो नाउ यू हैव टू फिल द कलर्स इन द पिक्चर्स गिवन टू यू हियर नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल कंप्लीट देम एंड राइट देअर नेम्स बिलो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिख रही हैं उनको आपको कंप्लीट करना है और फिर नाम लिखना है सो फर्स्ट वन यू कैन सी इट इज द पिक्चर ऑफ अ डॉग सो यू हैव टू कम्प्लीट द पिक्चर नेक्स्ट वन इज द पिक्चर ऑफ अ fish and third one third one is the picture of a butterfly now next question here is some riddles yahan pe kuch paheli hai jo aapko padhna hai solve karna hai first one is banana is what i love eating i spend my time jumping and leaping मुझे बनाना खाना बहुत पसंद है और मैं अपना टाइम जंप करने में और सोने में बिताता हूँ तो वो कौन होगा दैट इज अंकी येस तो आपको यहाँ रि रिडिल का जो एंसर है वो इस क्रॉसवर्ड uh, के अंदर सर्कल करना है सेकेंड वन ऑन द वॉल वेब्स आई वीव वेर इंसेक्ट स्टिक एंड कै नॉट लिव मैं दीवाल पर जाला बनाती हूँ जहाँ पे इंसेक्ट आके चिपक जाते हैं और छूट नहीं पाते हैं तो कौन है वो इट इज अ स्पाइडर आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट मैं रात भर जागता हूँ और जब दिन होता है तो मैं सो जाता हूँ हु इज इट इट इज एन आउल क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड मैं क्रॉक 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 साउंड प्रोड्यूस करता हूँ वो है फ्रॉक आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल feet सो आई क्रॉल ये है स्नेल slow and steady is my place i always win when there is a race ye corn hai jo rabbit ke sath mein race me jeeta tha yes that is a tortoise so here are the answer monkey spider owl frog snail and tortoise so you can write this riddle with answers in your notebook then uh, this is the crossword एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एनिमल्स ओके जो जो रिडल में एंसर आए थे वो एनिमल्स के नाम आपको इसमें क्रॉसवर्ड में, में फाइंड आउट करना है लाइक दिस यू कैन डू हियर आर द एंसर्स नाउ वेलकम टू नेक्स्ट लाइव हियर आर समम एम्प्रिंट लुक द अबउ पिक्चर हैव सम इम्प्रिंट्स टेक अ लुक एट द पिक्चर कैन यू डिस्टिंगज द थम्ब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट आपको कुछ प्रिंट्स दिख रहे हैं फिंगर प्रिंट्स उसमें आपको थम्ब के प्रिंट अलग से ढूंढने हैं इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर ऑफ एनिमल मेक पिक्चर यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन डो नॉट कॉपी द व शोन अबव यू कैन यूज द पिक्चर यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल और होम आपको ऊपर जैसे पिक्चर बनाई हुई हैं ऐसे ही अपने इमेजिनेशन के हिसाब से आपके थंब और फिंगर इम्प्रिंट से कुछ पिक्चर्स बनानी है हेयर इज़ वन मोर एक्टिविटी मेक ग्रुप ऑफ थ्री चिल्ड्रन ईच आपको थ्री बच्चों तीन बच्चों का एक ग्रुप बनाना है ईच ग्रुप विल मेक अ वाइट पेप विल टेक अ वाइट पेपर हर एक ग्रुप के पास एक वाइट पेपर होगा इन ईच ग्रुप वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल ऑन द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय द बाय फोल्डिंग दिस पार्ट एक बच्चा जो है वो फेस और नेक बनाएगा और फिर उसको छुपा देगा फोल्ड करके सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अदर एनिमल एट द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर दूसरा बच्चा जो है वो बॉडी बनाएगा और उसको भी फोल्ड करके हाइड कर देगा द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल और तीसरा बच्चा अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उस एनिमल के पैर बनाएगा मतलब फर्स्ट एनिमल को फर्स्ट जो बच्चा है वो फेस और नेक बनाएगा उसको छुपा देगा फिर दूसरा बच्चा उसी के नीचे बॉडी बनाएगा फिर तीसरा बच्चा उसी के नीचे पैर बनाएगा देन यू हैव टू अनफोल्ड द पेज एंड यू हैव टू सी वॉट पिक्चर विल कम आउट आपको इसके पहले डिस्कस नहीं करना है कि हम कौन से एनिमल की पिक्चर बनाएंगे हर एक बच्चा अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से ड्रॉ करेगा देन यू विल कम आउट विच एनिमल्स पिक्चर इज इट 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 इज वेरी फनी स्पेंड टाइम अंडर अ ट्री ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली नेम द एनिमल विच कैन बी सीन थोड़ा टाइम ट्री के नीचे बैठो और ऑब्जर्व करो कौन कौन से एनिमल आपको दिखाई देते हैं ऑन द ब्रांचेस ब्रांचेस पे कौन दिखाई देता है ऑन द लीव्स लीव्स पे कौन होता है ऑन द ट्रंक ट्रंक यानी तना तने पे कौन होता है ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे कौन होता है और अराउंड द ट्री ट्री के आसपास कौन होता है तो ब्रांचेस पे आपको दिखते हैं पैरट क्रो और मंकी लीव्स पे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसे बीटल कैटर पिलर ग्रांस होपर ट्रंक जो तना होता है उस पर स्क्वेरल एंट और टर्माइट होते हैं ग्राउंड पे रेड स्नैक और रैबिट और अराउंड द ट्री आर काउ डॉग एंड कैट अब आपको ये जितने एनिमल्स के आपने नाम लिखे हैं उन सब को उनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है मतलब सबसे छोटे को सबसे पहले लुक, फर्स्ट इज टर्माइट देन एंट बीटल देन कैटरपिलर

गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड आज डेम टू पुट द पीस टूगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल आपको इसे इस पिक्चर को कार्डबोर्ड पे लगाना है और फिर उसको जो ये आ, आपको पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं लाइन्स ड्रॉ करिए वैसे कट करना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि फिर से अरेंज करके एनिमल डिस्टिंगश करो थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो